दोस्तों, अब हीरा यानी डायमंड, इसके बारे में तो जानते ही होंगे ना। क्या आपको पता है कि जो सबसे पहला डायमंड यानी हीरा किस देश में पाया गया था, किस जगह पे पाया गया था? अगर आप इसका आंसर जानना चाहते हैं तो आगे वीडियो में बने रहिए। दोस्तों, आप इंग्लिश तो बात करना जानते हो, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सबसे ज़्यादा इंग्लिश किस देश में बात किया जाता है? ऑब्वियसली अमेरिका, सब जानते हैं। लेकिन सबसे मतलब सेकंड पोजीशन पे कौन सा देश आता है इंग्लिश के मामले में? सेकंड पोजीशन पे कौन सा देश आता है, ये आप जानते हैं? कोई और देश नहीं, इंडिया आता है। हाँ दोस्तों, इंडिया। आपको एकदम अजीब टाइप से लगे, क्या पागलपन कर रहे करें? सही, इंडिया इंडिया आता है। दरअसल देखो, उधर पे मतलब इंग्लिश बात करने वाले कितने हैं यूएसए में? 125 मिलियन, मतलब लगभग 12 करोड़ 50 लाख, है ना। तो अब इंडिया की जो पॉपुलेशन है कितना है? 135 करोड़। तो आपको बात बता दूँ, इंडिया के 10% लोग इंग्लिश बात करना जानते हैं। हाँ अभी तो और ज़्यादा है, मतलब वो अलग बात है। तो 10% लोग लगभग जानते ही इंग्लिश बात करना, क्योंकि देखो अभी इस जनरेशन में, मतलब अभी जो 20th सेंचुरी चल रहा है, इसमें सब जानते ही इंग्लिश बात करना। मतलब बहुत कम लोग होंगे जो मतलब हिंदी मीडियम पढ़ रहे हो, मतलब जो भी अपना स्टेट का वो पढ़ रहे हो, उनको नहीं पता होगा। लेकिन जो इंग्लिश मीडियम पढ़ रहा है अभी, तो भाई सभी इंग्लिश मीडियम पढ़ना चाहते हैं, कोई ऐसा छोटा मोटा वहाँ पे पढ़ना नहीं चाहते। तो जो जो इंग्लिश मीडियम पढ़ रहे हैं उनको तो पता है इंग्लिश बात करना। अब कोई टीचर्स हो गए, लेक्चरर्स हो गए, इनको पता है। अब कोई जैसे इंजीनियर्स हो गए, डॉक्टर्स हो गए, साइंटिस्ट हो गए, इनको भी पता है। तो देखो भाई, ये लगभग इतने साल मतलब इन लोग कम से कम 10 करोड़ तो होंगे ही ना, लगभग 10 करोड़ तो होंगे ही। अब देखो 12 करोड़ के, मतलब उन लोग 12 करोड़ हैं, हम लोग लगभग 10 करोड़, गिन लो। मतलब अप्रॉक्सीमेटली इसका वैल्यू नहीं बता सकते, क्योंकि देखो ये सब स्टैट्स बदलते रहता है हर समय, इसका लगभग वैल्यू बता नहीं सकते। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है, मतलब वो 12 करोड़ है। तो भाई हमारे में जैसे 10% लोग इंग्लिश इंग्लिश जानते हैं बात करना इंडिया में, तो अब 10% ले लोगे तो ऑलमोस्ट लगभग, चलो 10% भी मत लो, 10 करोड़ लोग तो होंगे ही ना। अब वहाँ पे 12 करोड़ लोग बात करें या 10 करोड़, मतलब ठीक ठाक है। तो अगर आपसे कोई भी पूछे, अगर आप जानना चाहते हैं, मतलब तो कोई भी जानना चाहता हो कि विच इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री, तो वो आता है इंडिया। सबसे पहला यूएसए, फिर इंडिया। दोस्तों आप दूध के बारे में तो जानते ही होंगे भाई, इंडिया इज़ द लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर, मतलब इंडिया में सबसे ज़्यादा गाय भैंस, आप जानते ही होंगे, कई सारे लोग गाय भैंस पालते हैं इंडिया में। तो मतलब गाँवों में तो बहुत कॉमन है गाय भैंस को पालना। तो इंडिया इज़ द लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर, मतलब इंडिया में सबसे ज़्यादा दूध प्रोड्यूस किया जाता है। दरअसल 2014 में 132.4, मतलब 132.4 मिलियन टन्स मिल्क 2014 में इंडिया में मतलब प्रोड्यूस हुआ था, इंडिया में आया था, मतलब गाय भैंसों से इतना दूध आया था, 132.4 मिलियन टन्स, मतलब लगभग 13 करोड़ 24 लाख के आसपास मतलब इंडिया में दूध आया था। तो इससे पहले जो था यूरोपियन यूनियन के पास, मतलब यूरोपियन यूनियन में सबसे ज़्यादा मिल्क प्रोड्यूसर, मतलब मिल्क प्रोड्यूस किया जाता था इससे पहले, 2014 से पहले। लेकिन इंडिया ने, मतलब इंडिया में 113 करोड़ 24 लाख मिलियन टन दूध प्रोड्यूस किया गया 2014 में। अब इंडिया ने उसको मतलब उसको क्रॉस कर लिया, इसलिए अभी इंडिया इस दुनिया का सबसे लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर है। आप शक्कर के बारे में जानते ही होंगे, उस बारे में बताने की ज़रूरत नहीं, सब जानते होंगे। स्पेशली चाय में शक्कर रहता है, आइसक्रीम में शक्कर रहता है, कोई भी जूस उसमें भी शक्कर डाला जाता है, ऑलमोस्ट हर जगह शक्कर का यूज़ होता है। तो पहली बार शक्कर किस देश ने बनाया था, पहली बार शक्कर किस देश वालों ने खाया था? सबसे पहली बार शक्कर इंडिया में ही बनाया गया था, और इंडियंस ने ही सबसे पहली बार शक्कर को खाया था। तो देखो अब इंडिया में कई सारे लोग मतलब बाहर देशों से आए हैं, ब्रिटिशर्स हो गए, पोर्चुगीज हो गए, ऐसे कई सारे लोग आए हैं इंडिया, आते जाते रहते हैं। तो उन्होंने क्या किया, इंडिया से सीख कर यही चीज़ को अपने देशों में लेके जाकर बना मतलब बनाना सीखा, फिर वहाँ पे भी शक्कर का यूज़ होने लगा। अब इंडिया में क्या है, इसका आधुनिक तकनीक नहीं थे, मतलब कैसे बताऊँ, टेक्निक्स नहीं थे, मतलब एकदम
कैसे इंडस्ट्रीज, तो इंडस्ट्रीज नहीं थे ना इंडिया, मतलब इंडिया में से सिंपली बना दिए, एक्सट्रैक्ट कर सिंपली किया जाता था। अब भाई बाहर देशों वालों ने कुछ नया किया, मतलब इसको बनाने के लिए आधुनिक तकनीकों को ढूंढा, मतलब कई सारे टेक्निक्स को ढूंढे, नए टेक्निक्स को ढूंढे, मतलब इसको ईजिली बनाने के लिए। अब इसलिए अब वो लार्ज अच्छा प्रोड्यूस करने लग गए, अब इसलिए वहाँ पे शक्कर को ज़्यादा प्रोड्यूस किया गया। अब इंडिया में टेक्निक्स नहीं थे, मतलब एकदम फास्ट करने के लिए टेक्निक्स नहीं थे इंडिया में, तो इंडिया मतलब प्रोड्यूस, मतलब इंडिया में प्रोड्यूस किया गया, इंडिया में ही खाया गया, लेकिन इंडिया में ऐसा शक्कर बनाया गया किसको पता नहीं है। सब सोचते हैं कि मतलब बाहर देश में सबसे पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया होगा, फिर हमने सीखा, लेकिन ऐसा नहीं है। इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया था, इंडिया वालों ने ही खाया था। तो आपने सांप सीढ़ी का खेल तो खेला ही होगा, स्नेक एंड लैडर, ये कहाँ पे बनाया गया था, दरअसल इसके पीछे का रीज़न क्या है? तो दरअसल इसे इंडिया में ही बनाया गया था, इसे मोक्ष पटमो करके बोला जाता था, पुराने ज़मानों में इसे बनाया गया था। तो मोक्ष पटमो जो है संस्कृत का वर्ड है एक, तो इसे मतलब पुराने ज़मानों में आप जानते ही होंगे जो सर राजा महाराजा इनके मतलब बेटे हो गए, इन लोग सबको सिखाया जाता था, ऋषि लोग के पास भेज कर मतलब ये सब सिखाया जाता था। अभी ये क्या है मोक्ष सांप सीढ़ी के, थोड़ा मतलब आपको हर एक कदम कैसे रखना है, अगला स्टेप क्या लेना है, इससे थोड़ा मतलब थोड़ा तो नॉलेज इंक्रीज होता है, मतलब कुछ नया सीखने को मिलता है। तो ये जो मोक्ष पटमो करके इसको बोलते थे पुराने ज़मानों में, मोक्ष पटमो करके मतलब बोल कर इसे सिखाया जाता था। फिर धीरे धीरे इसे एक बोर्ड गेम बना दिया गया और उसका नाम, अब उसमें सांप रहते थे और सीढ़ी रहते थे, सांप सीढ़ी बोलने लग गए, मतलब अब इंग्लिश में क्या बोलेंगे, स्नेक एंड लैडर, बस यही था रीज़न। मतलब इंडिया में डेवलप हुआ था लेकिन बाद में इसको एक बोर्ड गेम बना के और फेमस कर दिया गया था। नंबर वन से पहले अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो सब अपलोड होते साथ देख सके। तो हमारा फैक्ट नंबर वन ये है कि जो डायमंड्स है, जो हीरे हैं, सबसे पहली बार किस देश में पाया गया था? जो हीरे हैं सबसे पहली बार इंडिया में ही पाया गया था, इंडिया के आंध्र प्रदेश, एक स्टेट आप जानते होंगे, वहाँ पे मतलब गुंटूर कृष्णा डिस्ट्रिक्ट है, दो डिस्ट्रिक्ट है, मतलब यहीं पे आसपास में इस एरिया पे सबसे पहले डायमंड्स को पाया गया था। फिर उसके बाद ब्राज़ील में मिले थे और डायमंड्स, लेकिन सबसे पहली बार मतलब इंडिया में पाया गया था, ये तो किसी को पता नहीं है, एकदम अमेजिंग फैक्ट है। तो प्लीज़ फैक्ट नंबर वन ये है, यही एकदम अमेजिंग फैक्ट, तो इसे भूलना नहीं, सबसे पहली बार डायमंड्स कहाँ फाउंड किया गया था? तो इसका आंसर है इंडिया, इंडिया के आंध्र प्रदेश स्टेट में फाउंड किया गया था सबसे पहली बार डायमंड्स।